फ्लिपकार्ट से अब आप 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी ले सकते हैं और उसे आप शॉपिंग, मैरिज, एजुकेशन, होम रिनोवेशन, ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पेपरलेस प्रोसेस होता है और इस लोन का अप्रूवल भी आपको सिर्फ 30 सेकंड में मिल जाता है। लोन अमाउंट वापस करने के लिए भी आपको 60 महीने यानी कि पूरे 5 साल तक का समय मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको ये फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन कैसे मिलेगा, किनको किनको और कितना मिलेगा, ईएमआई अमाउंट आप हर महीने कब और कैसे पे कीजिएगा, पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में लाइव देखेंगे, इंटरेस्ट कितने परसेंट का देना होगा, चार्जेस कौन कौन से और कब देने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा होगा, कुछ लोग एलिजिबल नहीं होंगे और कुछ लोगों को ऑटो रिपेमेंट सेटअप या फिर केवाईसी में प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो आपको ये पर्सनल लोन का ऑप्शन कैसे मिलेगा, आप बहुत जल्द एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, या फिर जो भी इरर आ रहा है उसको सॉल्व करते हुए हम लोग ये लोन कैसे ले सकते हैं, आपको ये लोन लेना भी चाहिए या नहीं, यानी कि फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन से रिलेटेड लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप में मिलकर के प्रोवाइड करती है, जिसके तहत आप 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो लोन लीजिएगा कैसे, लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट में लॉगिन हो जाना है और आ जाना है अकाउंट वाले सेक्शन में। वहां फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको फ्लिपकार्ट में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अपने फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, ऑप्शन आ जाएगा। आपको फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन पे टैप करना है, तब 2 कॉलम खुलेंगे। पहले कॉलम में पैन नंबर और दूसरे कॉलम में डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर जेंडर सेलेक्ट करते हुए नीचे आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन से पहले वाले छोटे बॉक्स में टिक करके कंटिन्यू करना है। तब अगले पेज में वर्क डिटेल पूछा जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड ये सेलेक्ट करना है। तब उसके हिसाब से नीचे 2 कॉलम होंगे, जिसमें कि किस कंपनी में आप जॉब करते हैं या अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो किस इंडस्ट्री में हैं सेलेक्ट करना है। फिर अगर सैलरीड हैं तो इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एनुअल टर्नओवर फिल करना है, जो कि 2.4 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। तो फिल करने के बाद फिर व्यू लोन ऑफर पे टैप करना है। तब यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आप मैक्सिमम कितने अमाउंट तक का पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। मुझे तो बहुत कम का मिला, पर आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं कुछ लोगों को नोट अप्रूव लिखा हुआ आ रहा होगा, क्या आपको भी यही आ रहा है? अगर आ रहा है यानी कि आप लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबल कैसे हो सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो अब आपके सामने सबसे ऊपर में एक कॉलम होगा, जिसमें कि आप कितने अमाउंट तक का लोन लेना चाहते हैं ये फिल करना है। फिर उसके बाद हाउ डू यू लाइक टू रीपे के नीचे आपके लोन अमाउंट पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है ये बताया हुआ होगा। लोन अमाउंट वापस करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा और पर मंथ आपको कितना अमाउंट ईएमआई अमाउंट के रूप में पे करना होगा ये भी वहीं पे बताया हुआ होगा। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और ईएमआई टेन्योर ये दोनों आपके सिविल स्कोर के हिसाब से सभी लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में आपको बता दूं, अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो ईएमआई टेन्योर यानी कि रीपेमेंट करने के लिए आपको 12 महीनों से लेकर के 60 महीनों तक का समय मिल सकता है, और अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर नहीं हैं तो आपको 6 महीनों से लेकर के 36 महीनों तक का समय मिल सकता है। तो आप लोन अमाउंट वापस करने के लिए जितना समय लेना चाहते हैं उतना मंथ सेलेक्ट कर लेना है और कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे टैप करना है। तब एक पॉपअप खुलेगा जिसमें कि लोन समरी और रीपेमेंट डिटेल्स होगा। लोन समरी में आप कितने लोन अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें प्रोसेसिंग फी कितने का लग रहा है, स्टाम्प ड्यूटी चार्ज कितने का लग रहा है, और फाइनली प्रोसेसिंग फी वगैरह काट के आपके बैंक अकाउंट में कितना लोन अमाउंट आएगा और इंटरेस्ट कितने परसेंट का लगेगा, ये दोनों चीज वहीं पे बताया हुआ रहेगा। रीपेमेंट डिटेल में लोन पीरियड यानी कि कितने महीनों के लिए आप लोन लिए हैं, हर एक महीने ईएमआई अमाउंट आपको कितने का देना होगा, पहला ईएमआई आपको किस डेट को पे करना होगा और अंतिम ईएमआई आपको किस डेट को पे करना होगा, ये सारा चीज वहीं पे बताया हुआ रहेगा। तो सब कुछ देखने के बाद कंटिन्यू करना है, तब यहाँ पे कुछ और डिटेल बताए जाएंगे। नीचे छोटे बॉक्सेस में टिक करके कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। अगला पेज ऑटो सेटअप का आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, लोन लेने के बाद रीपेमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला ऑटो पे और दूसरा मैनुअल। ऑटो पे में होता ये है कि आप अभी ऑटो पे सेटअप के टाइम जिस बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं उस बैंक अकाउंट से ईएमआई पेमेंट डेट को ऑटोमेटिक आपका ईएमआई अमाउंट डिडक्ट होकर के आपका ईएमआई पेमेंट कंप्लीट हो जाता है।
आपको केवल ईएमआई पेमेंट डेट से पहले ईएमआई अमाउंट उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देने होते हैं। तो जिस बैंक अकाउंट को भी ऑटो पे में लिंक करना चाहते हैं उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, नीचे आपके पास उसका नेट बैंकिंग है तो वो, अन्यथा डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना है। तब नीचे अकाउंट नंबर फिल करने के लिए कॉलम खुलेगा, अकाउंट नंबर फिल करके प्रोसीड करना है। अगले पेज में डेबिट कार्ड डिटेल्स फिल करने के लिए कुछ कॉलम्स होंगे जिसमें कि डिटेल्स फिल करके सबमिट करना है। तब आपके डेबिट कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को ओटीपी वाले कॉलम में फिल करके अप्रूव पे टैप करना है। तब केवाईसी इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए कुछ कॉलम्स खुलेगा जिसमें कि पहले कॉलम में आधार नंबर, दूसरे कॉलम में फादर्स फर्स्ट नेम, तीसरे कॉलम में फादर्स लास्ट नेम और फिर इसी तरह से मदर्स नेम और फिर आप मैरिड हैं या अनमैरिड ये सेलेक्ट करना है। नीचे छोटे बॉक्सेस में टिक करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अगर फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड नंबर और आधार रजिस्टर्ड नंबर दोनों अलग अलग होंगे तो इरर आ सकता है, सो आपका दोनों नंबर सेम होना चाहिए। अगर आपको भी ये इरर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके डिटेल्स के हिसाब से आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा। फिर वीडियो केवाईसी के लिए परमिशन मांगेगा और आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। वीडियो केवाईसी में वेरिफिकेशन के लिए आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे जैसे आधार का लास्ट फोर डिजिट, फादर्स लास्ट नेम, एनुअल टर्नओवर, इस तरह के कुछ सवाल पूछे जाएंगे और फिर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक वापस फ्लिपकार्ट पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा जहां एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी कि आपका लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। वहीं पे ये भी बताया जा रहा होगा कि अगले 2 घंटे में आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और फिर आप अपने लोन अमाउंट को कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि लोन लेने के बाद आप लोन अमाउंट वापस कब और कैसे कीजिएगा। तो कब कीजिएगा ये तो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में ही बता दिया गया है, लेकिन कैसे कीजिएगा इसके 2 तरीके हैं। पहला और बेस्ट ऑप्शन है ऑटो रिपे का, जिसका सेटअप आप लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में ही कर चुके हैं। दूसरा है मैनुअल रिपेमेंट। मैनुअल में कई तरीके हैं। पहला, आप फ्लिपकार्ट के पर्सनल लोन वाले सेक्शन में जाकर के हर एक महीने ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के लोन रिपेमेंट वाले सेक्शन में जाकर के लोन नंबर यूज करके रिपेमेंट कर सकते हैं, या फिर एक्सिस बैंक के वेबसाइट या बैंक जाकर के डायरेक्ट आप लोन नंबर के सहारे रिपेमेंट कर सकते हैं और फिर लोन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन लेकर के उसे वापस कर सकते हैं। अब बात आती है चार्जेज की, तो सबसे पहले वैसे चार्जेस के बारे में जान लेते हैं जो आप सभी लोगों को देने होते हैं। पहला है प्रोसेसिंग फी, जो कि 2% का लगता है और उस प्रोसेसिंग फी पे 18% का जीएसटी लगाया जाता है। जैसे अगर आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो 50,000 का 2% यानी कि 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फी लगेगा और उस प्रोसेसिंग फी पे 18% जीएसटी जो कि 180 रुपए होगा, यानी कि टोटल प्रोसेसिंग फी 1,180 रुपए हो गया और 20 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी देना होता है, यानी कि 50,000 रुपए के लोन पे 1,200 रुपए का चार्ज आपको जरूर देना होगा। ये दोनों चार्जेस आपके लोन अमाउंट से ही डिडक्ट कर लिया जाता है और 50,000 रुपए के लोन एप्लीकेशन पे आपको आपके अकाउंट में 48,800 रुपए ही आएंगे। इसी तरह से आप जितने का भी लोन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने का चार्ज देना होगा। बात करें बाकी चार्जेस की, जैसे फोर क्लोजर चार्ज के रूप में आपसे 5% + 18% का जीएसटी लिया जाता है। अगर आप टाइम पे ईएमआई रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपसे 400 रुपए का बाउंस चार्ज लिया जाता है। डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप इशू करवाते हैं तो आपसे 250 + 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है। इसी तरह से और भी कुछ चार्जेस देने होते हैं जिसका लिस्ट आपको कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दिया गया है, वहां से आप बाकी सारे चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। अब बात आती है वैसे लोगों की जो एलिजिबल नहीं है, उनका क्या। दोस्तों, एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले आप एक इंडियन होने चाहिए, आपका इस मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 55 वर्ष तक का होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपका इनकम मिनिमम 15,000 से 20,000 रुपए तक जरूर होने चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मिनिमम 2.5 लाख का एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, ऐसा फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे बताया गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि आप फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है और कैसे हो सकते हैं। पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो ना ही सैलरीड हैं और ना ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फिर भी उन्हें 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल चुका है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, वहां आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताया जाएगा कि आप भी एलिजिबल कैसे हो सकते हैं और आपको भी ये लोन कैसे मिलेगा।
तो अभी अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो या इसी तरह का कोई टॉपिक हो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं या फिर इस वीडियो में आपको कुछ कमियां नजर आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज करके जरूर बताइएगा। वहां आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कमियां नजर आई है तो आने वाले वीडियोज में मैं सुधार जरूर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।